साथियों, दिल्ली सबकी है, सबको अपनाती है। यहाँ पर लोग अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे इलाज और बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए देश भर से आते हैं। और बदले में भाजपा दिल्ली के 3 करोड़ लोगों के पानी का हक रोक देती है। पर अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी भी दिल्ली वालों को दिल्ली का हक दिलाकर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम हर जगह संघर्ष करेंगे और भाजपा की नकारात्मक राजनीति एक बार से फिर फेल होगी दिल्ली में। बीती 31 मई को दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, बताया कि एक अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव के कारण जहां पर दिल्ली का तापमान लगभग एक बार 53 डिग्री सेल्सियस भी टच किया, इतनी भीषण गर्मी में दिल्ली की पानी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ चर्चा विमर्श कर ये पता चला कि हिमाचल प्रदेश सरकार के पास 137 क्यूसेक अतिरिक्त पीने का पानी है और वो दिल्ली को देने को तैयार है। तो सुप्रीम कोर्ट में हमने इतनी ही मांग रखी कि हरियाणा द्वारा ये पानी दिल्ली आने दिया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश दिल्ली के साथ तो सटा है नहीं। पानी को हिमाचल प्रदेश से हरियाणा के हथनीकुंड बराज से दिल्ली को छोड़ दिया जाए और दिल्ली के वजीराबाद बराज तक पहुंच जाए। दूसरा, हमने ये भी बताया कि इस बार मॉनसून सीजन डिलेड है, 30 जून 2024 से एक्सपेक्टेड है, तो उसके चलते ये थोड़े टाइम के लिए ही ये अरेंजमेंट चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून 2024 को एक आदेश दिया जिसमें सब स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हुई। वहां पर उस मीटिंग के उपरांत 6 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी हिमाचल प्रदेश देने को तैयार है, हिमाचल प्रदेश की सरकार देने को तैयार है और भाजपा की हरियाणा सरकार इस पानी को बिना किसी रुकावट के दिल्ली आने दे, हथनीकुंड बराज होते हुए वजीराबाद बराज तक। बस इतनी सी मांग थी। पर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी एग्जैक्टली पढ़ के सुना देती हूं। पैराग्राफ 10 में 6 जून 2024 की ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट कहता है, द ब्रेकअप ऑफ सरप्लस वाटर अवेलेबल विद द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्रोवाइडेड इन द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच बिटवीन द पीरियड फ्रॉम मार्च 2024 टू जून 2024 137 क्यूसेक ऑफ सरप्लस वाटर इज अवेलेबल विद द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। Since the state of Himachal Pradesh has no objection and is ready and willing to release the surplus drinking water available with it, we direct that the state of Himachal Pradesh shall release 137 cusacks of surplus drinking water available with it from the upstream so that the water reaches Hathnikul Barrage and reaches Delhi through Wazirabad. आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है, एज एंड व्हेन द सरप्लस ड्रिंकिंग वाटर इज रिलीज्ड विद प्रायर इंफॉर्मेशन इंटीमेशन टू द स्टेट ऑफ हरियाणा बाय द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, द स्टेट ऑफ हरियाणा शैल फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ सरप्लस ड्रिंकिंग वाटर सो रिलीज्ड बाय हिमाचल प्रदेश टू हथनीकुंड बराज एंड टू वजीराबाद सो दैट द वाटर रीचेस दिल्ली अनइंटरप्टेडली and is made available to the citizens of Delhi for meeting drinking water requirement. बस इतना ही करना था हरियाणा सरकार को, भाजपा सरकार को, कि हथनीकुंड बराज से दिल्ली पानी आने दे। पर हरियाणा की भाजपा सरकार क्या करती है?
ये 137 क्यूसेक पानी जो हिमाचल से आना था ये तो रोक ही देती है, साथ में एक दूसरे चैनल से दिल्ली पानी आता है 1050 क्यूसेक, उसमें 200 क्यूसेक और कम कर देती है, और कम कर देती है। इनकी इसी नकारात्मक राजनीति का नतीजा है कि भाजपा हरियाणा में हाफ हो गई है और जल्दी साफ भी हो जाएगी। हरियाणा के लोग कैसे होते हैं, आप उनसे पानी का ग्लास मांगोगे वो साथ में लस्सी भी देंगे, पर ये हरियाणा की नेगेटिव भाजपा सरकार हिमाचल से आने वाले पानी को भी रोक रही है और हमारा दूसरे चैनल से भी पानी रोक रही है। ये पानी ही किस बात का अहंकार है, पानी सबका होता है और पानी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है स्टेट्स के बीच में। एक उदाहरण देकर, जैसे जो नॉर्दर्न बेल्ट है उत्तरी भारत है उसमें पानी पानी का मेन सोर्स है चेनाब, झेलम, इंडस नदी, रावी, बियास और सतलुज, इससे पानी पूरे नॉर्थ इंडिया में जाता है। ये पानी डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, इनके ऊपर एक बोर्ड बैठता है जैसे कि अपर यमुना रिवर बोर्ड, वो बोर्ड सब सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करता है जैसे कि प्रत्येक स्टेट के मिनिस्टर, वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव जो बताते हैं कि कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है उनके स्टेट को। उसके बाद बोर्ड उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पानी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब इनके चैनल्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, जैसे हथनी कुंड बराज है उसको दिल्ली पानी आना है वजीराबाद बराज में, बताओ इसमें भी दिक्कत है भाजपा को, सिर्फ पानी रिलीज करने में दिक्कत है भाजपा को। और तो और सुनिए यहाँ के एलजी क्या कहते हैं इस बात पे। एलजी साहब कहते हैं कि दिल्ली सरकार बिना किसी कारण के हरियाणा सरकार पर आरोप डाल रही है। उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का नहीं पता क्या, उनको समझ आनी चाहिए अब तक कि दिल्ली के एलजी दिल्ली के लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए बने हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन के लिए बने हैं, ना कि उनकी जवाबदेही भाजपा के हेडक्वार्टर पर है। तो मेरी फिर आप लोगों द्वारा अपील है, एलजी चाहते तो नेगोशिएट भी करवा सकते थे, वो कह सकते थे हरियाणा सरकार को, वो कह सकते थे केंद्र सरकार को कि दिल्ली में जो ट्रीटेड पानी है उसको हरियाणा ले ले और फार्मिंग में उपयोग कर ले, वहां खेती बाड़ी में उपयोग कर ले, ऐसा भी पॉसिबल था, पर दिल्ली के हक का पानी ना रोके, पर ये नहीं किया उन्होंने राजनीति की जिस तरह के आदेश उनको भाजपा हेडक्वार्टर से मिले। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि इतनी गर्मी है, एक थोड़े टाइम की अरेंजमेंट हमने मांगी है, जो अरेंजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दी है, तो भाजपा को अपनी गंदी नकारात्मक राजनीति अब बंद कर देनी चाहिए, बीते चुनाव से सबक सीखना चाहिए और तुरंत प्रभाव से दिल्ली के हक का पानी रिलीज कर देना चाहिए। धन्यवाद। आज एलजी की मीटिंग भी है आशीषी के साथ पानी के मुद्दे पर। देखिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हिमाचल प्रदेश ने कह दिया उनको दिक्कत नहीं है, वो पानी देने को तैयार है, साथ में तो उनको ये किस ये 30 जून के लिए ही एक हम एक अरेंजमेंट मांग रहे हैं, तो इस टाइम पर आपको पानी रिलीज करना है और दिल्ली आने देना है। दूसरी तरफ जो 1050 क्यूसेक इन्होंने मुडक कनाल पर कम करके 850 क्यूसेक कल था 200 क्यूसेक कम कर दिया, उसको आने देना है। ये गंदी राजनीति बंद करनी है। He has to stop playing to the gallery and stop playing for optics. देखिए हम लोग तो आज पहली बार ये मीटिंग नहीं हो रही, लगातार इनफैक्ट 2016 से लगातार वी आर अहेड ऑफ द सिचुएशन, लगातार हमने मीटिंग्स बुलाई हैं। अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग्स भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई थी। अभी 53rd मीटिंग में अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग ने कहा था कि मुनक कनाल से 1050 क्यूसेक दिल्ली का शहर है पानी का, वो मिलना चाहिए। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं ये समझाने की कि पॉजिटिव राजनीति कीजिए और जो ऑलरेडी अग्रीड है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है,
उसको फॉलो कीजिए। आदेश के बाद 137 क्यूसेक पानी आपने किसी तरह हिमाचल से अरेंज कराया, तो हरियाणा ने 200 क्यूसेक पानी दूसरे जो चैनल से आता है वो कम कर दिया। जी बिल्कुल, 137 क्यूसेक हिमाचल से आना था हथनीकुंड बराज थ्रू वजीराबाद बराज में दिल्ली में, ये अभी तक नहीं आया, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। दूसरी तरफ मुनक कनाल से 1050 क्यूसेक पानी आता है, ये एक अग्रीमेंट है हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में, 53rd मीटिंग जो अपर यमुना रिवर बोर्ड की हुई थी उसमें दिल्ली को 1050 क्यूसेक पानी अलॉट हुआ था, उसमें भी 200 क्यूसेक कम कर दिया हरियाणा सरकार ने। हिमाचल ने नहीं छोड़ा है, अभी हरियाणा ने इसको रोक रखा है, हरियाणा ने इसको रोक रखा है, हरियाणा ने जी। आज मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगा है, तो आज फिर से हम ये सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के आगे रखेंगे बताएंगे, और उसके बाद जो भी निर्देश आएगा। कल एनडीए की सरकार में शपथ ग्रहण हो गया है, कई सारे लोग विपक्ष के लोग जो है आरोप लगा रहे हैं, आज सामने में बहुत कुछ छपा है कि एक बार फिर नेगेटिव एनर्जी वाली सरकार है, कभी भी गिर सकती है टूट सकती है, उसी तरह विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ज्यादा लंबी चलेगी नहीं, तो विपक्ष पर क्या कर रहा है? देखिए, लगातार नकारात्मक राजनीति का उदाहरण दिया है भाजपा ने, चाहे वो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो अपने विपक्षियों के विपरीत, चाहे वो बिना सबूत के अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालना हो, चाहे वो अभी आप देखिए हरियाणा का उदाहरण जो मैं आपको बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 137 क्यूसेक पानी रिलीज किया जाएगा और दिल्ली को मिलेगा, तो ये नकारात्मक राजनीति अब लंबे समय तक नहीं चलेगी, और यही हमें बीते लोकसभा चुनाव में देखने को मिला।